how our own country is has been a hub, has been a setting the grounding of science and technology. बिल्कुल ही कह सकते हैं जन्मभूमि science and technology की भारत है. So with this perspective, the idea of learning and understanding and discussing the works and inventions of all our ancient Indian scientists, right from Aryabhatta or Sushrut and Patanjali and all, was that. So if you have that pride in your mind, that is yes, we do have science background in our country to the fullest, that will be great. Now the second part of the unit was letting you to know the modern scientists of India, and we have seen the video top 5 modern Indian scientists on YouTube. Okay, so वो भी देखा होगा आपने. मंगलयान का भी वीडियो देखा ही होगा. आई हैव पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप, राइट. मंगलयान वीडियो देखा आप लोगों ने, मिशन टू मार्स? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी, गिव मी थम्स अप. दो लोगों ने देखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, फेयर इनफ. तो सभी ने दैट मंगलयान वीडियो भी देखा है. एंड आफ्टर दैट ऑन द सेम डे आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट टू पोस्ट सच टेक्निकल वीडियोस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सो ऑन द सेम डे आई कुड सी ऑलमोस्ट 7-8 लिंक्स ओवर देयर, लेकिन सारी लिंक्स नहीं थी. सो विद दिस आई think I need to give one assignment, one responsibility. To Kritika? Kritika? Hello? Yes, ma'am. Ma'am, are you there? Yes, ma'am. कंफर्टेबल? ओके कृतिका, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. श्योर मैम, कौन सी? यस, ओके. सो आपको करना ये है कि अंशल बहुत अच्छे से फेस ऑफ द डे एक्टिविटी के लिए 4 बजे पोस्ट करता है, एंड यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग वेल इन द ग्रुप, है ना. सो इन द सेम वे 4 to 8 वो एक्टिविटी हो जाती है ऑलमोस्ट. मैं जब रात में देखती हूँ ग्रुप, तो 9 बजे तक काफी सारे मैसेजेस आ चुके होते हैं. सो आफ्टर दैट बाय 10 o'clock इन द नाइट, ओके, मे बी 9 or 9 o'clock और 10 o'clock, व्हाटसोएवर सूट्स यू. मे बी 1 single time, ओके, कोई भी एक टाइम सेट कर लो, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे, कोई भी एक समय सेट कर लो. On the same time, every day you have to post one link. YouTube का एक link find out करके, search करके, और उस BCVS group पे डालना है. It will be related to science and technology. बहुत सारे videos हैं. Okay, ma'am. Got it? Yeah. है ना? And हाँ, and for this activity, entire class may help you. आप सभी को मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, दैट इज कृतिका विल बी डूइंग दिस एक्टिविटी. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन पोस्ट द वीडियोज टू कृतिका ऑन द हर पर्सनल चैट. सो इन द इन केस कृतिका इज यूजिंग योर वीडियो टू पोस्ट टूडे बाय 10 o'clock इन द ग्रुप, शील ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम शी हैज रिसीव द चैट द लिंक. गॉट इट कृतिका? Yes, ma'am. है ना? So, post तो आपको करना है, आपको तो find out करना ही है. अगर आपको voluntarily बाकी के सब लोग भेज रहे हैं and you find them good कि नहीं, ये technical knowledge काफी सारा हम लोगों का share हो रहा है आपस में, okay? And this is the thing we should know. मंगलयान के बारे में मुझे पता चला, इन्हें भी पता चलना चाहिए. कोई एक robot है जिसके बारे में मुझे पता चला है, मेरे सब फ्रेंड्स को, तो उसका लिंक जो है मे बी यूट्यूब का या फेसबुक का, तो वो आपको ग्रुप पे डालना है. लेकिन एवरी डे ऑन द सेम टाइम,
द आइडिया इज एवरी डे ऑन द सेम टाइम. तो कौन सा टाइम आप सूट करोगी? 10 o'clock? हाँ चलेगा. है ना? तो लंच का, डिनर का टाइम है, घर में बिजी है, पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट सो एवर. सो एवरी डे 10 o'clock देर शुड बी वन नॉलेज शेयरिंग वीडियो इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द ग्रुप, एंड रेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कैन वॉच दैट ग्रुप, दे कैन पोस्ट कमेंट्स ऑन दैट ग्रुप, उसको इलाबोरेट कर सकते हैं, उसके बारे में अपने व्यूज लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. सो 4 to 8 ठीक से एक्टिविटी चली रही है, अंशल डाल ही रहा है वो, और बहुत अच्छा चल रहा है. आई थिंक काफी लोगों के उसमें फेसेस दिखने लग गए हैं, एंड सो ऑन. सो बाय 10 o'clock यू विल बी डूइंग दिस, सो दैट गुड नाइट स्लीप के समय सभी लोग देख, सोते समय उस तरह का एक टेक्निकल वीडियो देख पाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी अ ग्रेट इंजीनियर एज वेल. आइडिया समझ में आया इसका? हाँ मैम. Is it? है ना? कर लोगी आप? आप और भी किसी की मदद लेना चाहोगी क्या? नहीं मैम, कर लूंगी. कर लोगे, है ना? So proactively involve all the class as far as possible. उन लोगों को भी कोई links अच्छे मिलते हैं तो they can post it. But time अगर हमने set रखा तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में 50 लिंक्स आ गई और एक भी लिंक देखी नहीं. एवरीडे वन लिंक एंड देन यू कैन डिस्कस. मे बी रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक उसी वीडियो पे आप डिस्कस कीजिए एक दूसरे से, उस पे कमेंट कीजिए, दैट वुड बी ग्रेट, है ना? एंड इट कैन बी एनी टॉपिक रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मे बी योर सब्जेक्ट हो सकते हैं, बॉट्स क्या होते हैं, बॉट्स का कोई एक नया वीडियो मिला है आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई नया वीडियो मिला है, यू कैन डू दिस. लेकिन यूट्यूब का वीडियो लिंक. आई होप असाइनमेंट इज क्लियर. कृतिका? यस मैम. ओके ओके. सो विद दिस टू प्रोसीड फॉर द सेम Okay, so with this our next proceedings for this activity is writing a technical writing as such. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, देन मे बी आपके थोड़े कुछ टेंस एंड वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ऑल सच थिंग्स था, जो कि आप बचपन से ऑलमोस्ट 3rd, 4th, 5th से पढ़ते आए हो, राइटिंग एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. बट नाउ एज इन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर लर्निंग फॉर एज अ engineering perspective. Okay, so being an engineer now, this is time to learn and practice and write the technical writing. Okay, there is a brief, we can say a comfortable difference in between general writing and technical writing. Of course, technical writing, one has to understand the technicalities. The one who is a technical person, एक engineer ही है जो वो technical writing लिख सकता है, उसका stuff लिख सकता है. But at the same time, writing itself is an art. So writing the answers for your questions, technical जो आपका exam होता है उसके answers लिखना एक अलग बात होती है. And technical writing is you are writing the technical stuff in non-technical language. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, but yes, this is the writing style wherein particular topics is explained and discussed in such a manner with such instructions that is a non-technical person can understand that subject, that topic, that elaboration very well.
It aims to communicate the technical or specialized subject into very simple subject matter. Okay, a layman like me can understand that technical stuff very easily. So you have to keep that in mind. जहां तक आपके बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सवाल है तो वहां पे जब आप कुछ भी लिखते हैं आंसर लिखते हैं मे बी योर पेपर प्रेजेंटेशंस एंड ऑल सच थिंग्स आउट देयर द ऑडियंस ऑफ योर राइटिंग स्टफ इज अ टेक्निकल पर्सन ही इज मास्टर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो योर लैंग्वेज और योर आइडिया विल बी जनरल जो पढ़ा है वो का वो लिखना है बट वेन इट कम्स टू टेक्निकल राइटिंग ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन ही इज अ लेमैन एंड देन हाउ देन आई एम एक्सप्लेनिंग दीज पर्टिकुलर फैक्ट सो दिस इज वेरी क्रूशियल एंड you must be knowing this is great job as well nowadays technical writers ek bahut bada ek job profile hi hai wherein the this particular job ke liye basic eligibility is maybe engineer or maybe science graduate okay so that he is aware of science and technology and at the same time he is having the zest or willingness or hobby to write something okay then there is a kind of a mixture or there is a kind of a liking wherein a technical person is writing a stuff one of my student he's alumni okay and not my student but alumni okay he was an engineer and he started his own firm and his firm is on technical writing only most of the software in software companies or technical companies maybe electronic goods manufacturing companies they all are his clients and his job is to write the we can say user manual और पैकेजिंग मटेरियल पे या फिर उसके लिए ब्लॉग लिखना है उसके लिए राइटअप लिखना है एंड सो ऑन ये सब काम वो करते हैं सो इट इज नॉट जस्ट राइटिंग आर्टिकल या नॉवेल लिखना है स्टोरी लिखना है इस तरह का जॉब नहीं होता है पूरी तरह से साइंटिफिक जॉब होता है साइंस जिसको समझ में आता है वो ही लिख सकता है बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा लिटरेचर का राइटिंग का उसको टच होना चाहिए एंड सो ऑन So yes, being an engineer, all of you must be able to have that gist of technical writing as well. That is explaining, writing and communicating about any of the technical aspect and that too with the layman. So your next activity and your next section is related to this. That is... This is mostly happened why because there is a gap in between the understanding or we can say the knowledge of sender and knowledge of receiver aapko maine communication cycle aur ye sab kuch aapne padha hi hai what is communication there is a sender there is a receiver but when there is a educational gap or knowledge wise gap in between the sender and the receiver of course the noise will be bigger aap kya batana cha rahe ho wo receiver ko samajh mein hi aane wala nahi hai so sender has to be very very cautious about it that is I know circuits I know diodes but jise main likh kar dene wala hu use kitna pata chalega so the language should be like this okay jo samne wala samajh sake So yes, such kind of activities will be given to you based on this. But before that, let's have a look into technical writing process. Okay, there is always a process for writing any stuff as a technical writing, and this is a 6 steps process technical writing ki. wherein your
thoughts and your understanding of audience, understanding of concept and understanding of end result of this particular stuff. ये मैं क्यों लिख रही हूँ, किसके लिए लिख रही हूँ, what is the objective of this write up has to be very very clear. So here we are having this six steps of technical writing, wherein the first step consists of define requirement, second is analyze audience, third is understand the user, fourth is focus on the users, fifth is map or plan your document, and sixth is consult an expert. So excuse me. Yes. Sorry. So let's discuss all these six steps into detail. The first one is understand the user, wherein the audience will have their own expectations, will have their own needs from this particular your write-up. So as a writer, you need to understand who the audience is and what are their expectations out of this particular write-up. It is important for you to understand what the readers are looking for and what this document should answer. I mean, what are the questions of the of your readers, and what are the questions which need to be answered with the set of your document. That is very very important. So understanding of user is the foremost thing in terms of technical writing. It is not a very creative stuff. It is always object oriented stuff. Aapka object kya hai wo puri tarah se understand karna. Is particular write up ka audience kaun hai, uski expectation kya hai, वो कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आपका राइटअप पढ़ रहा है, ये वाला थॉट प्रोसेस क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है. सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द यूजर. योर सेकंड स्टेप फॉर टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस इज फोकस ऑन यूजर. वंस यू हैव अंडरस्टैंड द यूजर, ही हैज टू फोकस ऑन हाउ द डॉक्यूमेंट विल कैटर टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस. A good practice is to create a document that compiles information points simply in an easy step-by-step manner. So when you have understood your audience for whom you are writing this stuff, you have to focus on user, the focus on your audience only, okay? And not only this, you have to give him a step-by-step manner. Or isliye aapne dekha hoga technical writing stuff, agar aap dekhoge to aapko step 1, step 2, step 3 is tarah ka aapko roadmap jaise diya jata hai. And try to make it very 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 easy to understand in perspective of your user. Then the third one is first is define your requirement, that is the basic kyu likh rahe hain aap. Then analyze your audience, uska socio economic class kya hai, your audience ki requirement kya hai, uska understanding kitna hai, usko knowledge kitna ho sakta hai, and so on. Then focus on the user. Then the next step is map your document, okay? So before jumping into writing, चलो आज तो लिखना शुरू करते हैं, एक पेज दो पेज या दस पेज लिख के ही दम लेंगे,
it should not be like this. Before it, it should have a map, clear map being ready in your mind, which is saying that it will be having point wise doge aap isko ya paragraph doge ya there will be a chart ek tarah ka table usme dal doge to ye cheez behtar communicate ho sakti hai. Maybe a kind of a graph or something you would like to say engage koi ek drawing ya figure aapko usme dalna hai tab aap exactly explain kar paoge. Let's say you have to communicate, that is you have to put this particular socket into this particular place, so maybe this can be very easily communicate with the help of a symbolic drawing. So wo symbolic drawing bana ke A and B diya aur fir wo A and B ko aap explain karoge. Let's say you are pulling out this A and putting it into B socket and all such things. Okay, so ek bahut hi proper layout, ek map tayar karna padega aapko. Before you jump into just writing, okay, you need to style or guide the document plan. Okay, of course your style should be uniform throughout the entire write up, but in terms of your sentence length or frequency or word usage and everything should be as simple as possible and should be uniform as well. Okay, there should not be a hell lot of fluctuation into it. Okay, and even after and based on your maps of the document, okay, first after this mapping you consult with an expert. Okay, before exactly jumping into the writing, that is make sure an expert have seen the layout and the understanding, and consultation maybe from the expert or maybe some kind of a write up of similar kind. Let's say you are writing a manual for how to operate a laptop or how to operate a Bluetooth speaker or what are the facilities of Bluetooth speaker, iske kya kya features hai wo aap explain karna chah rahe ho. So the same kind of write up maybe you can find it up, that is how to write up or fir how to operate any of the electronic gadgets, is printer ko kaise install karte hain and so on. तो वो पढ़ लिया और वहां से थोड़ा सा आइडिया लेके और फिर उसका लेआउट प्लान बनाया, दैट वुड बी ग्रेट. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मटेरियल ऑफ दिस राइटअप फॉर अ लेमैन. आपकी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसको आप जनरलाइज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल राइटिंग. ओके, एंड दिस थिंग इज बीइंग डन मेनी अ टाइम्स. इन दिनों तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है, टेक्निकल कंटेंट आपको मिल जाएगा ब्लॉग पे एंड इस पे, सो जस्ट टेक दैट एज अ लुक. ओके, नाउ ओके, now the idea is first of all you have to all take out five real examples of technical writing documents. Okay, technical writing document aapke yahan pe zarur koi na koi naya gadget liya hoga, uska is tarah se kuch na kuch user manual rehta hoga. Hardly aapne kabhi aise user manual ko dhyan se padha hoga na. नया मोबाइल लिया होगा, वारंटी कार्ड होता है उसके अंदर, हाउ टू यूज इट, उसके फीचर्स. सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ टेक्निकल राइटिंग. इस तरह के यूजर मैनुअल्स हैं आपके घर में या कभी देखे हैं आपने? गिव मी यस और नो. देखे हैं, नया मोबाइल लेते हैं तब यूजर मैनुअल रहता है ना, देखे हैं. ओके, सो कोई तो होगा जो ये सब लिख रहा होगा आफ्टर डिजाइनिंग, ये सब कुछ बना रहा होगा, इस तरह के फीचर्स डालो, हाउ टू ऑपरेट, इज इट वारंटी, फिर वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल सच थिंग्स.
सो दीज ऑल आर दी केसेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, और ये लिखने वाले जरूर जरूर टेक्निकल पर्सन ही रहते हैं. सो मेनी ऑफ यू मे बी इन दी क्लास ऑफ 60 पीपल, देर आर 3, 4, 5 पीपल, दे लव टू बी इन टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल में रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग और उसमें नहीं ध्यान लगता है, लेकिन वो सब समझता जरूर है क्यों हुआ होगा, कैसा हुआ होगा. नो सो ऑल दीज पीपल दे आर बेस्ट रिसोर्स फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल विच इज नोन एज टेक्निकल राइटिंग एंड ऑल. बट एज सच फॉर ऑल ऑफ यू, यू मस्ट हैव द जिस्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड you must be able to understand, write and its objectives and so on. So in our coming sessions, we will be understanding and we'll be doing the activity on technical writing. Let's say there are 35, 36 students in the class. Okay, so I won't be giving you the choice that is कौन आपके ग्रुप में होगा. और let's say yes, let's say this is a common activity for all of you. Then group activity I'll be giving it by tomorrow. है ना. सो यू हैव टू राइट अ राइट अप और टेक्निकल राइटिंग राइट अप क्रिएट अ राइट अप ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स यूजिंग योर ऑल दीज लर्निंग्स. टेक्निकल राइटिंग होती क्या है ये आपने समझा है, सीखा है, इसे प्रैक्टिस करना है. एंड फॉर प्रैक्टिसिंग इट यू हैव टू राइट अ टेक्निकल राइट अप. And the idea is you have to write about solar bulbs. Okay, solar bulbs ka keh sakte hain information. What is it? How it is important? How to use it? What are its benefits? And that too in a lame, matlab ek 10-12 saal ka bachcha samajh sakte hain, 4th-5th standard ka student bhi use samajh sakte us language ko. Bilkul waisi language mein likhna hai aapko. Okay. And there are three options. You can choose from any of three options about which you have to write. That is Bluetooth speaker. The first option is Bluetooth speaker. The second option is solar bulbs. Solar bulb. And third option is बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन. बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन क्लियर है. तीनों ऑप्शंस आपको क्लियर है. यस मैम. ठीक है. बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन और सोलर बल्ब और ब्लूटूथ स्पीकर. तो आप लोगों को एक टेक्निकल राइटिंग स्टफ लिखना है explaining about a following topic, any of the following topics. Aapka aaj jitni bhi cheeze aapne samjhi hain, seekhi hain, and so on. And the idea is you right away you have to use your pen and paper, although you can use Google Baba to fullest, but I want to use your creativity as well. Waisa ka waisa aapko Bluetooth speaker ka यूजर मैनुअल कहीं भी मिल जाएगा, उसको एज इट इज कॉपी मत करना. मे बी वहां से आप इंस्पिरेशन लेना, राइट इन योर ओन वर्ड. उसी को कॉपी कर रहे हो तो भी अगर जब लिखोगे तो कम से कम वो अंडरस्टैंडिंग आएगी. दिस इज माय आइडिया. कि सेम टू सेम भी आप कॉपी करोगे तो भी आपको लिखना तो पड़ेगा और आपको समझ में आएगा. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास शुड हैव द फील ऑफ द जिस्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग एज वेल. So our in our next lecture, that is by tomorrow, I need this technical writing stuff posted in the group on the same day. अभी से post नहीं करना है आपको, लिख के अपने पास रखना है, कल सुबह तक तैयार करना है आपको. And in the class by tomorrow, 11 o'clock we'll be discussing this technical writing stuff.
into the class. Am I clear? Yes, ma'am. Yes. ओके इतना करने के बाद में फिर हम आगे का लेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना इनफ है. आप लोगों का अटेंडेंस ले रही हूँ मैं प्रॉपर ना? यहाँ पे नहीं मैंने लिया है. चलिए आई जस्ट हैव दिस अटेंडेंस विथ मी, है ना. आज के लिए इतना ही. बट टुमारो आई वॉन्ट सच काइंड ऑफ यूजर मैन्युअल. कहीं से ना कहीं से फाइंड आउट करना मिल जाएगा आपके पास, एसी का, वॉशिंग मशीन का, मोबाइल फोन का एंड ऑल. तो वो यूजर मैन्युअल लेके उसको पढ़ना, थोड़ा समझना, एंड इन तीनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको टेक्निकल राइटिंग स्टफ लिखना भी है. उसके बाद कल हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसका एक आपको और एक असाइनमेंट देने वाली हूँ. सो दिस विल बी अ जॉब फॉर आर टुमारो सेशन. कल में हमारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम असाइनमेंट देना एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Chalo, thank you so much. Thank you so much for the day. See you tomorrow by 11 o'clock. Okay? Bye, everybody. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.